श्रीनगर पुलिस ने बीजेपी नेता लखपत भंडारी और कुछ अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया है। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता लखपत भंडारी और कुछ अन्य के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर चेतावनी रैली निकाली गई थी। एसएसपी ने बताया कि रैली निकालने से पहले एसडीएम को रैली की जानकारी देकर उनसे अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एसडीएम ने अनुमति रद्द कर दी थी। इसके बावजूद बीजेपी नेता लखपत भंडारी और कुछ अन्य के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर रैली निकाली गई। इस रैली में एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, जिन्हें रैली के जरिए चेतावनी दी गई। अब प्रशासन की अनुमति के बिना सड़कों पर रैली निकालने पर पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, श्रीनगर में जो एक जुलूस निकाला गया था, इसमें जो परमिशन की मांग की गई थी उसमें वहाँ के एसडीएम के द्वारा परमिशन को नहीं दिया गया था, और परमिशन को निरस्त करने के उपरांत ही यहाँ पर जुलूस निकाला गया। इसका हम लोगों ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेते उसमें शर्तों का उल्लंघन करते मुकदमा पंजीकृत किया। देखिए, पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें कानून व्यवस्था को मेंटेन करने हेतु हमारे द्वारा सफिशिएंट पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, और किसी भी प्रकार की इसमें